स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेसिकली यह डिस्क्राइब करती है कि हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है। यह थ्योरी डॉक्टर एच ई हग्जले ने दी थी। उन्होंने इस थ्योरी के मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को 5 फेजेस में डिवाइड किया था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के ये 5 फेजेस हैं: रेस्ट, कपलिंग और एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिचार्जिंग और लास्ट है रिलैक्सेशन। अब हम इन फेजेस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला फेज है रेस्ट। बॉडी में हर तरह की मूवमेंट ब्रेन से कंट्रोल होती है। जब तक ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं आता तब तक शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती। स्लाइडिंग फिलामेंट के रेस्ट फेज में ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है। मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस एक्सटेंडेड तो होते हैं लेकिन वो एक्टिन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते। हर एक क्रॉस ब्रिज पर एक ATP अनचार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मसल फाइबर के सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम में बहुत से कैल्शियम आयंस स्टोर्ड रहता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के दूसरे फेज में ब्रेन से एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है। यह इंपल्स एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन को रिलीज करती है। यह एसिटाइल कोलाइन सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देता है जो इमीडिएटली एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन को एक्टिवेट कर देता है। फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को खींच लेता है जिससे एक्टिव साइट्स दिखने लग जाती है। कैल्शियम आयंस क्रॉस ब्रिजेस पर प्रेजेंट अनचार्ज ATP को चार्ज ATP में भी कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन फिलामेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को एक्टोमायोसिन कनेक्शन कहा जाता है। इस फेज में क्रॉस ब्रिजेस पर प्रेजेंट ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और उनमें से एनर्जी रिलीज होती है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ATP से निकलने वाली यह एनर्जी क्रॉस ब्रिजेस को ताकत देती है जिससे वे एक्टिन फिलामेंट को खींच पाते हैं। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस थ्योरी का चौथा फेज है रिचार्जिंग। जब क्रॉस ब्रिजेस पर प्रेजेंट ATP ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज कर देता है और हमें एक्टिविटी को सस्टेन करना होता है तो हमें नए ATP की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस फेज में नए ATP जनरेशन होता है। रीसिंथेसिस ऑफ न्यू ATP कैसे होते हैं इसे हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना काफी है कि आगे ATP दो सिस्टम से बनते हैं, एनएरोबिक सिस्टम और एरोबिक सिस्टम। नए ATP किस सिस्टम से बनेंगे यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज है रिलैक्सेशन। क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो उसे कभी ना कभी रुकना पड़ता है, इसलिए जब हम एक्टिविटी रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स रुक जाते हैं जिससे सारा कैल्शियम आयंस दोबारा से सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम में जाकर स्टोर हो जाता है। एक्टोमायोसिन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्रॉस ब्रिजेस दोबारा से एक्सटेंडेड तो होते हैं लेकिन एक्टिन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते और बिल्कुल रेस्ट वाली स्टेज आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस एनिमेशन से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रेन इंपल्स के बाद कैल्शियम आयंस रिलीज होता है और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को एक्टिवेट कर देता है। ATP के ब्रेक्स होते ही क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन फिलामेंट को खींचते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है।